लोगों ने भी हल्ला किया, मेरी हालत खराब। अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ? मेरे पीछे मैं इतना डर गई थी ना, पैदल चलने के नुकसान भी है। लेट हो गया सुना? नहीं, यहाँ टाटा बाबा है, इन कपड़ों को इग्नोर करना प्लीज। मेरी बाई नहीं आई। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई और आज तो मैं बच गई। और रास्ते में अभी कैसे बच बचाते मैं घर पहुंच गई हूँ। और वो तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। वहाँ पे पीछे पड़ गया था कि लेके आना लेके आना। बन रहे मेरे गोलगप्पे। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7:15 से और शोना अब जाएगी रेडी होने के लिए। काफ़ी देर हो चुकी है और शोना बिल्कुल रेडी नहीं हो रही है। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बल्कि उसके ब्रेकफास्ट की प्लेट हमने वहीं रखी है। यहाँ देखो, लेट हो गया सुना? नहीं, आपको इसकी प्लेट दिखाती हूँ। और उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, ये देखिए मम्मा उसकी आ रही है। सोना देख रही है टीवी। तो शोना के स्कूल के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और शोना की मम्मा और शोना आगे निकल गए। शोना की मम्मा भी हमारे साथ आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। आज मैं घर जा रही हूँ वापस मम्मी के, और मैं वहीं रहूँगी। यहाँ टाटा बाबा है ना, और तो मुझे दीदी वहीं ड्रॉप कर देगी घर में। तो मिलते फिर आगे दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं फाइनली घर में और दिखाती हूँ घर में सब कहाँ है। मम्मी यहाँ है, मम्मी कर रही है पूजा और भाई नहाने गया है। तो चलिए फिर करते हैं आगे और दिखाती हूँ सारे अपडेट्स। अब रहना है मैंने यहीं, मेरे सारे ब्लॉग्स आएंगे यहीं से। चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी करते हैं घर की साफ सफाई और इन कपड़ों को इग्नोर करना प्लीज़। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं घर की साफ सफाई। अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ और दिखाते हैं आज सारा दिन भर मैं क्या करती हूँ और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अब कर लेती हूँ मैं बर्तन वॉश और दिखाती हूँ आपको। अच्छा चलते फिर जल्दी जल्दी काम करते फिर नहाएंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। और भी ब्रेकफास्ट के बर्तन होने हैं मुझे, तो मैं वो कर लेती हूँ। मेरी बाई नहीं आई, मेरी बाई नहीं आई। ये खेत से केले, जो हमारे घर के खेत के केले होते वो कुछ ऐसे होते बड़े बड़े, और ये काफ़ी सारे हैं आप देख सकते हैं। गिर गया,
अभी ये कच्चे हैं, इनको हम पकाने रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कच्चे हैं फिलहाल, इनको खा नहीं सकते अभी। और ये ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े। हे फ्रेंड्स, तो अब मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख और अभी खाना बन रहा है, मम्मी अभी बना रही है, तो मैं वेट कर रही हूँ कब खाना बनेगा। देखते हैं मम्मी क्या बना रही है और कितनी देर में खाना बन रहा है। अच्छी कितनी देर में बन जाएगा खाना? हाँ, जाएगा 5-10 मिनट। तो कोई बात नहीं गाइस, हम इतना वेट कर लेंगे, थोड़ी ही देर में बन जाएगा खाना। और मुझे तो नींद आ रही है, चलिए मैं फिलहाल पानी पी लेती हूँ। और तो गाइस, आज आप सभी लोगों को मैं ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ। देखो, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग अगर रहते हैं तो वो इंडोनेशिया कंट्री में रहते हैं, और उसी इंडोनेशिया कंट्री की करेंसी मतलब नोट में देखो, देखो हमारे गणेश भगवान जी का वो है, देखो डिज़ाइन है। तो देखो, और वहाँ रामलीला भी मनाते हैं, तो और उनके कैरेक्टर कौन निभाते हैं? मुस्लिम। और वो ये कहते हैं कि हम राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी के कैरेक्टर को निभाते हुए बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, खाना रेडी है और अब हम करेंगे लंच। फ्रेंड्स, मम्मी कर रही है काम, मतलब जो हमारे केले लाए हुए थे ना मम्मी ने खेत से, तो वो मम्मी अब पैक, और इसमें अब हम दवाई डालेंगे तो ये थोड़े से पक जाएंगे, फिर इसको हम इंजॉय करेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह। बस भाई, इतना अच्छा हो गया, बाल दे, बड़े हो गए ना वैसे। अखबर गाइस, ये मेरी क्रश है, यहाँ पर ये फोटो दिखा रहा आपको। वाओ, कितनी क्यूट है यार ये, और ये बता दूँ देख ऐसी रहे, कितनी ये मेरी क्रश है यार। गाइस, वो पता है कौन है? गाइस देख लीजिएगा, इसको पॉज करके मैं ये अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी जाना पड़ रहा है, मतलब मुझे अभी जाना है कहीं बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं वैसे भी वॉक करते हुए जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे कुछ स्पेशल लेके आना है, तो अगर मिल गया तो मैं आपको लेके आऊँगी, और नहीं मिला तो, और मैं आपको शॉप में दिखा दूँगी मुझे क्या लेना है और मैं क्यों जा रही हूँ। ओके, तो फिर वेट करिए मेरा और बने रहना मेरे साथ, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। मैं जल्दी से ड्रेसअप करके आती हूँ, तैयार होके आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चल रही हूँ, जो भी काम है सारे काम करके आती हूँ, सारे तो क्या, छोटे मोटे काम है तो वो करके आती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे, और जितना हो सकता है उतना दिखाऊँगी, और वैसे भी वॉक करके जा रही हूँ तो मिल ही जाएगा सब कुछ दिखने को। बता के आई थी? हाँ माँ, हाँ वो भैया रेडीमेड पानी पूरी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने वहाँ लिपस्टिक ट्राई की और अपना हाथ खराब करा। अंकल, आम पकाने की दवाई दे दी मैं, आम नहीं केले, केले कितने होंगे? ज़्यादा है, मतलब लगभग 5-6 किलो होंगे ना, लगभग ज़्यादा 5 किलो से ज़्यादा होंगे।
चलते हैं घर, घर में मिलूंगी अब, मेरे सारे काम हो चुके हैं और सीधा मिलते हैं घर में। ओके बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं इतना डर गई। मेरे हाथ में सामान है और इस सामान को खाने के लिए गाय आ गई थी मेरे पीछे, मैं इतना डर गई थी ना। फिर पैदल चलने के नुकसान भी है, अगर गाय है तो। वहाँ पर काफ़ी सारी गाय थी और उनमें से दो गाय मेरे पीछे पड़ गई। और ये इसके पीछे मेरे पास दूध का पैकेट भी है और सामान भी है, तो इस वजह से गाइस आज तो मैं बच गई। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मेरी हालत ख़राब, अब पसीना आप देख रहे होंगे कितना पसीना हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वॉक करके आई हूँ और रास्ते में अभी मैं बाल बाल बच गई। ये गायों का बड़ा गंदा सीन है, बहुत सारी गाय हो रखी है, कैसे बच बचाते मैं घर पहुँच गई हूँ। और वो तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे इसलिए लोगों ने भी हल्ला किया, तब जाके मैं भाग गई। वहाँ पे तो वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई वहाँ पे। तो फ्रेंड्स जिस चीज़ के लिए मैं गई थी मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो है ये पानी पूरी। और इस रेडीमेड पानी पूरी के लिए मेरा भाई मेरे पीछे पड़ गया था कि लेके आना। सो फाइनली मुझे ये मिल गई है और ये ढूंढना इतना आसान नहीं है, मुझे ही पता है कैसे करके मुझे ये मिली है। और क्योंकि मैं मार्केट साइड नहीं गई हूँ, मैं यहीं घूमती रही हूँ अपने एरिया में, तो इस वजह से और मिल गई है मुझे फाइनली ये पानी पूरी। तो आज खाएंगे हम इसको और अभी थोड़ी देर में भाई आ जाएगा तो उसके साथ बनाऊंगी। तो ये मैं पी रही हूँ छाछ और मैंने इस पर डाल दिया बर्फ, तो मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अब इसको पीते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ अब गोलगप्पे और इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो रेडीमेड है बट उनको तेल में फ्राई करना ज़रूरी है, तो चलिए मैं इनको करती हूँ फ्राई और दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं मेरे गोलगप्पे और आज मैं खुद बना रही हूँ, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इनके शेप को देख के। तो फ्रेंड्स अब मैं इनका बना रही हूँ पानी, जो इसके पानी मैंने उस दिन आपको बताया थी, इस पर हमें तीन तरीके के पैकेट मिलते हैं, एक खजूर इमली वाला और एक खट्टा मीठा और एक मिलता है पुदीना पानी पाउडर, तो मैं इन तीनों को बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। गोलगप्पे रेडी है गाइस, आ जाइए गोलगप्पे खाने। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया समिति का फैसला। समाजवादी पार्टी सांसद रहमान दर्द ने कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा 2024 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की सोच। गाइस ये कम से कम 40 गोलगप्पे खा गया है, तो सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स हो चुका है हमारा डिनर और इस ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड, और मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग पे, तब तक ले टाटा बाय बाय सी यू। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।